दोस्तों स्वागत है आपका। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले T20 मैच से पहले विराट कोहली ने एक बहुत ही बड़ा बयान जो है वो दिया है, जहां पर उन्होंने लगभग टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो है वो कर दी है कंफर्म, जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया जो है ये T20 सीरीज जीते, न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हराए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों 24 जनवरी से 5 T20 मैच की सीरीज की शुरुआत होने वाली है, जहां पर पहला T20 मैच ऑकलैंड में जो है वो खेला जाएगा। टाइमिंग की अगर बात करें तो 12:20 दोपहर के 12:20 पर ये मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और स्टार स्पोर्ट्स पर जो है लाइव हमें मैच देखने को मिलेगा। अगर आपको मोबाइल पे देखना है तो आप हॉटस्टार पे जो है लाइव मैच को देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों मैच से पहले विराट कोहली ने एक बहुत ही बड़ा बयान जो है वो दिया है और उन्होंने जो है बिल्कुल हिंट दिया है कि केएल राहुल जो है वो होने वाले हैं टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, यानी कि वो ओपनिंग करते हुए भी नजर आएंगे और विकेट कीपिंग करते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों ऋषभ पंत जो है एक और बार हमें बाहर बैठते हुए नजर आने वाले हैं। टीम के पास दोस्तों ऋषभ पंत भी हैं, संजू सैमसन को भी बुलाया गया है, लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने हिंट किया है कि केएल राहुल ही कीपिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। ऐसे में एक एडिशनल बैट्समैन के साथ यानी कि मनीष पांडे भी जो है प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। कुछ इस तरह का हिंट जो है वो दे दिया है कप्तान विराट कोहली ने। ऐसे में दोस्तों प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, विराट कोहली नंबर 3 पर होंगे, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर होंगे, तो यहां पर मनीष पांडे नंबर 5 पर हमें नजर आएंगे, नंबर 6 पर दोस्तों शिवम दुबे, तो नंबर 7 पर रविंदर जडेजा। कुछ इस तरह का बैटिंग ऑर्डर जो है हमारा होने वाला है पहले T20 मैच में। इनके बाद दोस्तों बात करें नंबर 8 की तो यहां पर कुलदीप हमें नजर आएंगे, नंबर 9 पर दोस्तों शार्दुल नजर आएंगे, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे और 11वें नंबर पर मोहम्मद शमी जो है वो हमें नजर आने वाले हैं। कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 लगभग जो है वो कंफर्म हो चुकी है। एक आध चेंज यहां पर हो सकते हैं और चेंज होंगे भी तो यहां पर बॉलिंग में होने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों चहल को मौका मिल सकता है या फिर सैनी हमें प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर जो है वो लगभग यही रहने वाली है। आपको कैसी लग रही है दोस्तों ये प्लेइंग 11, या फिर आप चाहते हैं कि ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए या संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।